यूपी में 2022 में चुनाव है। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हो चुका है। महान दल वाले केशव देव मौर्य से अखिलेश का गठबंधन हो चुका है। अपना दल की कृष्णा पटेल के साथ भी गठबंधन हो चुका है और आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ गठबंधन हो चुका है। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की पार्टी का गठबंधन देर सवेर हो ही जाएगा। इसी बीच राजा भैया मुलायम सिंह यादव से मिलने नंगे पैर उनके घर पहुंचे। नंगे पैर का मतलब यह है कि घर से जूता चप्पल पहनकर आए ही होंगे, लेकिन कर्टेसी में साफ सफाई की वजह से चप्पल उतार दिए होंगे। लेकिन जो तस्वीरें आई उनमें राजा भैया नंगे पैर ही थे। एक बात कहती हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि राजा भैया और बीजेपी के बीच दांतों कटी रोटी है, राजा भैया और योगी जाति से ठाकुर हैं इसीलिए बीजेपी के साथ है, तो दोस्तों राजा भैया और बीजेपी के बीच उतनी मिठास नहीं है जितनी लोग जाति का सिस्टम भिड़ाकर गिना देते हैं। अगर इतनी मिठास होती तो राजा भैया इस समय कम से कम दर्जा प्राप्त मंत्री तो होते ही, लेकिन वो नहीं है। खैर, राजा भैया मुलायम सिंह यादव से मिले, उनका हाल चाल जाना। मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन था तो बधाई भी दी। दोस्तों राजनीति में कोई किसी के यहाँ जाता है, आता है, खाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ मायने जरूर होते हैं। तात्कालिक मायने ना भी हो तो आगे की संभावनाएं छिपी होती हैं। खैर, मैं बात अखिलेश यादव के बढ़ते गठबंधन और हार के डर से डरी हुई बीजेपी की कर रही थी। आज ही डबल इंजन यानी योगी और मोदी दोनों लोग जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने पहुंचे थे। योगी जी जहाज पर भाषण देने गए थे, एयरपोर्ट का शिलान्यास था, लेकिन जिन्ना पर बोलने लगे, अब्बा जान पर उतर आए, लोगों को दंगे याद दिलाने लगे कि लोगों भूलना मत, दंगे मत भूलना। दोस्तों कहाँ हवाई जहाज की बातें करने आए थे और कहाँ जेवर के लोगों को दंगे की बातें याद दिलाने लगे। कहाँ जहाज, कहाँ दंगे, कहाँ एयरपोर्ट, कहाँ जिन्ना। यूपी के चुनाव से जिन्ना का क्या लेना देना। बीजेपी सरकार ने अगर काम किया है तो दंगे और जिन्ना, अब्बा जान फूफा जान की बात करने की क्या जरूरत है। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी हर हाल में ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चुनावों का रुख हिंदू मुसलमान की तरफ मुड़े, किसी तरीके से हिंदू खतरे में आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल, केजरीवाल, केशव देव मौर्य के साथ मिलकर बीजेपी पर बहुत भारी पड़ेंगे। अब बात डबल इंजन की कर लेती हूँ। बार बार आपसे कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है तो कद्दुओं में तीर मारे जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तो कद्दुओं में तीर नहीं मारा जा सकता था। दोस्तों डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं होता है। इस हिसाब से गिने तो नगर निगम भी बीजेपी का, यूपी की सरकार भी बीजेपी की, पंचायत में भी बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी, फिर भी बीजेपी यूपी में सड़कों के गड्ढे नहीं पाट पाई है। याद करिए, सड़कों के गड्ढे पाटना बीजेपी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। गलत कह रही हूँ तो बताइएगा जरूर। अस्पताल, स्कूल और नौकरियों की बात करूंगी तो जवाब देते नहीं बनेगा। और अगर मान लीजिए कि यूपी में डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तो केंद्र से पैसा नहीं दिया जाएगा क्या? यूपी में डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तो केंद्र सरकार यूपी का विकास नहीं करेगी क्या? डबल इंजन क्या होता है मैं बताती हूँ। भेदभाव का नाम है डबल इंजन। डबल इंजन कहकर लोगों को डराया जाता है कि डबल इंजन नहीं होगा तो तुम लोग भुगतोगे। दुराव का नाम है डबल इंजन। जहाँ डबल इंजन की सरकार है और जहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहाँ क्या नया और क्या अलग कर दिया गया है कोई नहीं बता सकता। और सरकारें जो होल्डिंग पर लिखवाती हैं उस पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि होल्डिंग वाले सरकारी सच से जमीनी सच का कोई लेना देना नहीं है। सौ की सीधी एक बात है कि चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, विपक्ष के बड़े होते गठबंधन से बीजेपी को डर लगने लगा है, इसीलिए बीजेपी हिंदू मुसलमान वाले सेफ साइड पर खेलना चाहती है। दोस्तों जब तक यूपी में चुनाव है तब तक यूपी की राजनीति से जुड़ी वीडियो मैं लाती रहूंगी। मैं अभी शहर से बाहर हूँ तो आपके सामने नहीं हूँ, आप केवल मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। जल्द ही आपसे सामने मिलूंगी। मुझे ट्विटर पर @PragyaLive नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिए। साथ आएंगे तो सच और मजबूत होगा। जय हिंद।